तो चलिए अब सीधा रुक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान का शौर्य स्मारक पार्क से। सामने आ गए। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। पीछे देखो। हाँ पीछा भाई फोटो पीछे शुरुआत 12 मार्च को शौर्य स्मारक के इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई थी और प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पर एक साथ इस महोत्सव की शुरुआत हुई और लगातार विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए आज हम सब यहां एकत्रित हैं और एक बार फिर इस मंच पर उपस्थिति है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। घने बीहड़ों ऊंचे पहाड़ों को पार कर नए रास्तों का निर्माण करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का ये शुभ अवसर है जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने है उस एक भारत के स्वप्न को साकार करने वाले महान राष्ट्र सेवी थे भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी तो थी ही, लेकिन जब देश आजाद हुआ